देश भर दे विच ईद उल अजहा बड़े ही धूमधाम नाल मनाई जा रही है। बठिंडा दे विच भी बकरीद मुस्लिम भाईचारे दे वलों बड़े ही उत्साह दे नाल मनाई गई। मस्जिद दे विच नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम भाईचारे दे लोकां ने कोरोना महामारी तो देश नूं छुटकारा मिले अरदास की। इस मौके ते गलबात करदिआं मुस्लिम भाईचारे दे लोकां ने दस्सिया कि मुस्लिम भाईचारे दे विच ईद उल अजहा दा त्यौहार बहुत वड्डा त्यौहार मन्या जांदा है। इस त्यौहार मौके मुस्लिम भाईचारे वल्लों एक दूजे नाल गले मिल के सारे गिले शिकवे दूर कीते जांदे ने। मुहम्मद अशरफ है जी मेरा नाम। मैं इत्थे इंचार्ज हाँ दरगाह ओबलीक मस्जिद बड़ी जामा मस्जिद इंतजामिया प्रबंधक कमेटी वालों। सब तो पहला मैं पूरे देशवासियों नूं ये ईद उल अजहा दे मौके पर मुबारकबाद पेश करदा। सारयां दे घरां दे विच रब खुशियां बरकतां देवे, उन्हां दे खुशियां दे खेड़े लावे और उन्हां नूं सेहत जाब रखे। और अज दा दिन दा एक मैसेज यही है साडा भी सब दे घर दे विच रब इस ईद दे मौके पर खुशियां दे खेड़े लावे और उन्हां नूं सेहतमंद रखे। तो कोरोना वायरस की बीमारी है जिहड़ी असीं दुआ भी की आ, रब दे अगे अरदास भी की आ भी जिहड़ी ये बीमारी ना मुराद बीमारी चल रही है इस नूं रब इस तो सानूं निजात दे ते इस बीमारी नूं खत्म करे। इतिहास यदा यह है जी, ये ईद का त्यौहार है जिहड़ा साडे पैगंबर हुंदे सी पहलां जिहड़े धर्म गुरु सी साडे, उन्हां नूं सुपना आया सी भी तुसीं मेरे राह ते की कुरबान कर सकते हो आपदी सब तो प्यारी चीज़। तां उन्हां ने सलाह मशवरा किया आपदे यारां दोस्तां दे नाल घरे परिवार नाल भी मैनूं सुपना आया रब वल्लों भी मैं सब तो प्यारी जिहड़ी मेरी चीज़ किहनूं कुरबान करां। उन्हां दे मन दे विच पहलां ख्याल आया कोई बकरे दा आया कोई जानवर दा आया, पर उन्हां नूं किसी ने राय दित्ती सब तो प्यारी चीज़ की आ तेरी। तां फिर उन्हां नूं इह उन्हां ने घरे डिसाइड किया भी सब तो प्यारा मेरा बेटा मैनूं भी इहनूं मैं रब दे राह ते कुरबान करां। तां उन्हां ने उसकी कुरबानी देण लई उहनूं जदों ही जंगल दे विच लै के गए तां उस जदों उन्हां ने छुरी चलानी चाही तां उत्थे दुंबा आ गया सीगा जिन्हों की बकरा भी कहा जाता। तो उस दिन तो ही बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता। मैं सलीम अहमद मुस्लिम ह्यूमन वेलफेयर स्टडी प्रधान भाई मुसलमान भाईचारा। अज बकरीद का दिन सी, अज असी जिस तरह सानू गीत साहब ने दसिया सीगा भी आप करोना करके अपन प्रॉब्लम आप कट्ठ नहीं करना, वो कट्ठ दे असी नहीं ना करते हुए एक असी 6:30 बजे नमाज कराई भी जिहड़े कमेटी के मैंबर साहबान नाल, ते एक 7:30 बजे जो कोई रह गया सी उन्हां नाल कराई। असी कट मास्क का इंतजाम किया सी आपदे कोलों और दूरी बना के असी नमाज पढ़ाई। इस असी लोगों को अपील की भी आप जिहड़े बाकी बंदे रह गए उन्हां नूं कहा भी जिथे जिथे थोड़े नेड़े ने मसीतां हैगियां उत्थे नमाज पढ़ो, बाकी जिहड़े कोई रहिंदा आपदे घर जाके पढ़े कि करोना का टाइम चल रहा ये करके अपना आपदे बचाव विच ही बचा है दूजे का बचा है। इस मौके ते सब नूं लख लख बधाई होवे। ब्यूरो रिपोर्ट, SN7 न्यूज़।